नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रुद्रपुर में पटवारी के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए पटवारी के साथ अतिक्रमणकारी ने अभद्रता की और यही नहीं, घटना का वीडियो बना रहे सहकर्मी का मोबाइल भी आरोपियों ने छीन लिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पटवारी द्वारा आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है। पटवारी नसीम हुसैन ने बताया कि रुद्रपुर के बिंदुखेड़ा मोड़ पर टीन का खोखर डालकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा था और सूचना मिलने पर रुद्रपुर तहसील से वह मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान जब उनके द्वारा अतिक्रमणकारी से अतिक्रमण हटाने को कहा गया तो यह सुनकर अतिक्रमणकारी आग बबूला हो गया और उसने गांव से अपने बेटे सहित अन्य लोगों को भी बुला लिया। इस दौरान अतिक्रमणकारी द्वारा राजस्व निरीक्षक के साथ जमकर अभद्रता करते हुए गाली गलौज की गई। उसके पुत्र द्वारा तमाचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए लौट जाने को कहा। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही है। बिंदुखेड़ा मोड़ पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके टीन शेड डालकर रेस्टोरेंट टाइप बनाया जा रहा है। हमने उसको देखा, हमने इनसे मना किया कि आप जो है अवैध रूप से अतिक्रमण ना करें। ये अनावश्यक रूप से गाली गलौज करने लगे वहाँ पे, जब इनके लोग इकट्ठे हो गए तो अनावश्यक रूप से गाली लोग हमें करने लगे। गाली हमने उसका विरोध किया, आप गाली क्यों दे रहे हैं हमको, तो फिर हमें मारने के लिए उतारू हो गए। मारपीट करने के लिए बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी गालियाँ दी इन्होंने, मोबाइल छीनने की कोशिश की, मोबाइल छीना भी है, फिर वो सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाइए। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।